मनरेगा में मैटेरियल भुगतान का जो प्रक्रिया है, एक तो यदि व्यक्तिगत योजना है जैसे कुआं बनना है, शेड बनना है, तो ये सब योजना में लाभुक स्वयं बाजार से सामग्री क्रय कर लगा सकते हैं और उसका बिल उसको रखना पड़ेगा और वो बिल वो पंचायत सचिव रोजगार सेवक मुखिया जी के पास प्रस्तुत करेंगे। वो बिल के अनुसार से वो सामान का मिलान करेंगे, फिर जेई उसका एमबी करेंगे और एमबी के बाद उसका भुगतान है तो अगर सारित किया जाता है तभी उस लाभुक के खाता में फिर पैसा भुगतान होता है। दूसरा है कि यदि वेंडर के माध्यम से सामान का क्रय करते हैं, सामान लेते हैं, तो वेंडर एस्टिमेट के अनुसार से आपका कार्यस्थल पर सामग्री उपलब्ध करेंगे और वो लाभुक को या फिर मेट को जिम्मा देंगे। उसके बाद वो बिल देंगे, बिल के अनुसार से उसका सामान मिलान होगा, फिर एमबी होगा जेई के माध्यम से, उसके बाद ही भुगतान के लिए अगर सारित करने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत जो भी मटेरियल में पेमेंट होता है, भुगतान होता है, उसका नियमानुसार रॉयल्टी कटता है और रॉयल्टी वेंडर जो जिसको पेमेंट किया जाता है उसको अदा करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग दो बार नोटिस कर दिए हैं और अगर यदि वो लोग नहीं रॉयल्टी भेजेंगे, जो भी डीएमओ ऑफिस जहाँ भी जो हेड में जाएगा, तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोग आदेश दो बार निर्गत कर दिए, रिमाइंडर भी दे दिए हैं, अब हम लोग कार्रवाई आरम्भ कर रहे हैं। सर, एक और मामला है सर कि कुछ जगह ऐसा हुआ है कि मटेरियल का भुगतान पहले कर दिया जाता है, क्या ऐसे मामले की जाँच की जाएगी? और उसके भी जांच कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मटेरियल का पेमेंट हो गया जहाँ योजना अधूरा है या पूर्णता की ओर है, उसके लिए भी हम एक टीम बनाए हुए हैं वैसे, जिसमें बीपीओ, जेई, टेक्निकल हेडक्वार्टर पे जेई और बीडीओ हैं और जांच कर रहे हैं, उसका जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें आएगा।